हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिफ्ट अप क्लासेस। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। आज आपके सामने है कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, और किसके लिए होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। मींस इनडायरेक्टली हम किसके लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के लिए, बट वी डोंट मेंशन द सेकंड पर्सन देयर लाइक यू। ओके, नाउ माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? अपने काम से काम रखो। ओके, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। पील ऑफ द ऑरेंज, ऑरेंज छील दो। जो छिलका उतारने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड, वो होता है पील ऑफ। लेट हिम से फर्स्ट, लेट हिम से फर्स्ट मीनिंग उसे पहले कहने दो, या पहले उसको अपनी बात कहने दो। लेट हिम फर्स्ट यानी कहने दो, करने दो, आने दो, जाने दो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट को यूज करते हैं। लेट भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस का ही एक पार्ट होता है। रिंग आउट द टॉल, रिंग आउट द टॉल मीन्स तोलिया निचोड़ दो। निचोड़ने के लिए हमने यहां पर क्या यूज किया है, रिंग आउट। टेक ऑफ द शूज, जूते उतार दो। अब जूते उतारने के लिए हमने क्या यूज किया है, टेक ऑफ। गाइस ध्यान दीजिए कि सारे जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली वर्ब्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, परीक्षा की तैयारी करो। अब तैयारी करने के लिए प्रिपेयर होता ही है। कीप टू द लेफ्ट, बाएं रखो। हैव पीस ऑफ माइंड, शांत रहो, शांति रखो। धैर्य भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं, पर जैसे कहते हैं ना, मन की शांति रखो, हैव पीस ऑफ माइंड। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। बर्न द कैंडल, मोमबत्ती जला दो। अप्लाई फॉर द जॉब, जॉब के लिए अप्लाई करो। टेक द डॉग फॉर अ वॉक प्लीज, डॉग को वॉक के लिए ले जाओ प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। जहां भी हम प्लीज वर्ड यूज करते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की सेंस देता है। हैव करेज, हिम्मत रखो, साहस रखो। डू योर चोर्स, अपना काम करो। चोर्स होता है कुछ भी हमारा हाउस होल्ड वर्क या एनी वर्क दैट यू हैव टू डू। गो टू वर्क, अपने काम पर जाओ। तो ये थे आज हमारे 15 इंपरेटिव सेंटेंसेस that you have to use for your spoken English. You have to use these all sentences in your daily life. अगर आप इनको use नहीं करेंगे तो you can't learn these. Because देखिए, इनका कोई particular ऐसा rule नहीं है कि आप इनको according to rule सीखेंगे. Just you have to learn that all the imperative sentences starts from first form of the verb and you have to use them in your daily life. Thanks. So, for more explanation of this topic, imperative sentences, आप comment box में pin linked पर click कीजिए, वहां आपको इसकी previous video मिल जाएगी. Thanks for watching this video.